योगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलंकृत महाकाल नमोऽस्तु ते आदि योगिन् नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलंकृत महाकाल नमोऽस्तु ते। जगह जगह पर भगवान शिव के नाम के जयकारे लग रहे हैं, बारातें निकल रही हैं, श्रद्धालु धूमधाम से नाचते गाते हुए अपने आराध्य की बारात लगा रहे हैं। ये दिन बड़ा ही पावन है और बड़ा ही आनंद श्रद्धालुओं को दे रहा है। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की बारात, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह वाली रात्रि। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही अनोखा है और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, पूरे देश भर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। उज्जैन के शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और यह गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम क्या है और किस प्रकार की तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र की इस प्रस्तुति में। तो जो शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम होने वाला है वह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में होने वाला है। इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। इन श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए लगभग 20,000 की संख्या में वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है और शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम जो होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर मैं बता दूं कि शिप्रा नदी के तट पर लगभग 8,000 से 9,000 की संख्या में ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और इनमें प्रत्येक बॉक्स में 225 दीपकों को सजाया जाएगा। आज पूरी छिप्रा नदी के तट पर ये दीपक जगमगाएंगे, उज्जैन में दीपावली मनाएंगे। ये त्यौहार है, पर्व है, उत्साह और उल्लास का। महाशिवरात्रि को ये ज्योति अर्पणम कार्यक्रम विशेष बनाएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ है, भगवान के इस महापर्व पर उनके पट 44 घंटों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालु बड़े ही आनंद के साथ महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन अब विशाल होती जा रही है, भव्य हो गई है और इस प्रकार का कार्यक्रम उज्जैन की भव्यता को एक विशेष महत्व प्रदान करेगा। हालांकि उज्जैन तो पहले से ही अपने आप में कई चीज़ें समेटे हुए है और उज्जैन इससे पहले भी ऐसे कार्यक्रम कर चुका है। उज्जैन में इससे पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो गया है। पिछले साल 11 लाख से अधिक दीप उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जले हुए थे, जिसने महाशिवरात्रि को और विशेष बनाया था। इस बार 21 लाख दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं और इन दीपक के प्रज्वलित होने के साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जो अब तक किसी स्थान पर इतने दीपकों को जलने की बात में एक और अपनी श्रृंखला तैयार करेगा। तो आप भी उज्जैन के इस दीपोत्सव में जुड़ना ना भूलें और प्रयास करें कि अपने घर पर इस महाशिवरात्रि एक प्रेम का दिया जलाएं और ईश्वर को अपने घर पर आमंत्रित करें। इसके साथ ही उज्जैन की एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा सिर्फ और सिर्फ महाकाल हैं और इसीलिए कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ पर रात ठहरने से बचता है।